हेलो, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. नो, यस, सॉरी. सो टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट द केशमित्र तैला. यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोडक्ट बिकॉज ऑब्वियसली आई एंड वी एज अ टीम हैड डन सो मच हार्ड वर्क बिहाइंड दिस. एंड यस, सो आई वांट टू टेल यू अबाउट द हार्ड वर्क, सॉरी, that how we made the Keshmitra Taila and what was our experience while making it. तो हमने एक रेफरेंस लिया जो कि इसमें से था, शालंकर संहिता. यस, द सेकेंड रेफरेंस और फ्रॉम दिस वैश्यचरित महाराणा. यस, और एक तीसरी बुक में से भी था जो कि मेरे पास नहीं है. बट येस, वी टूक द रेफरेंसेज फ्रॉम दिस बुक्स एंड वी मिक्सड इट एंड वी मेड वन थिंग. लाइक वी डिड थी सिद्धि पाका फॉर दिस इन दिस तैला और फॉर दिस तैला केशमित्र तैला विच इज ऑल्सो विच यू कैन कॉल इट एज नीले भृंगराज तैला बिकॉज द मेन इन्ग्रीडियंट्स आर भृंगराज, नीले एंड त्रिफला. ऑब्वियसली बिकॉज त्रिफला इज गुड फॉर योर हेयर, भृंगराज इज गुड फॉर योर हेयर, नीले इज ऑल्सो गुड फॉर योर हेयर, जो कि बेसिकली यूजफुल है, प्रिवेंट हेयर लॉस. देन अगर आपको हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा तो उसके लिए भी है. एंड द थर्ड थिंग इज प्री मेच्योर हेयर ग्रोइंग, कि अगर 20-25 साल में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हेयर ग्रोइंग हो रहा है, वाइट हेयर हो रहा है, तो उसके लिए ये ऑयल बहुत यूजफुल है जो कि संहिता में बताया है. पर हम लोगों को एक साइड बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिले, जैसे कि एक ही बार ऑयल यूज करके उसके तुरंत बाद में हेयर बहुत स्मूथ हो जाता है, ग्रीसी नहीं रहता. एंड यस, यू कैन सी आई हैड ऑल्सो यूज द केशमित्र तैला ओनली एंड आई हैवेंट यूज द कंडीशनर एट ऑल. आई यूज द हर्बल शैम्पू बट द हेयर इज जस्ट लाइक यू. आई हैव डन द ब्लो ड्राइड रिसेंटली बट आई हैव नॉट डन इट फिलहाल में. तो तीन सिद्धि पाक लक्षण या फिर तीन सिद्धि पाक क्या होता है? तो ऑयल एक बार बनता है, जैसे कि ऑयल के कुछ सिद्धि लक्षण बताए गए हैं आयुर्वेद में, पर ये लक्षण तीन बार लिए जाते हैं या फिर तीन बार देखे जाते हैं इन तैला. तो पहले सिद्धि पाक में या फिर पहले सिद्धि लक्षण में क्या होता है, सिद्धि पाक में क्या होता है कि कुछ हर्ब्स ली जाती है, उसको कुछ पर्टिकुलर फॉर्म में लिया जाता है और तेल बनाया जाता है. उसके सिद्धि लक्षण अगर आपको मिल गए तो वो तेल एक सिद्धि पाक हुआ. ऐसे दूसरे दिन कुछ अलग हर्ब्स ली जाती है, कुछ अलग फॉर्म में लिया जाता है और उससे सिद्धि पाक मिले तब तक उसको बॉयल किया जाता है और तो वो दूसरा सिद्धि पाक हुआ. तीसरा सिद्धि पाक तीसरे दिन लिया जाता है, उसमें भी कुछ अलग हर्ब्स ली जाती है और वो भी कोई अलग फॉर्म में लिया जाता है. जैसे कि फर्स्ट सिद्धि पाक में हमने लिया कल्क, तो दूसरे सिद्धि पाक में हमने क्वाथ लिया, तीसरे सिद्धि पाक में हमने स्वरस लिया. ऐसे तो ऐसे तीन सिद्धि पाक लिए जा किए गए. हमने एक सिद्धि पाक में हम लोग को लगे 8 to 9 hours, मतलब तीनों में एवरेज 8 to 9 hours लगे, जिसमें सिद्धि लक्षण हमें मिले विच वी आर लाइक वी कोई ऐसा क्या बोलते हैं उसको, मोटिव नहीं था कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में बनाएंगे, पर इवेंचुअली वो ब्रह्म मुहूर्त में ही मिला क्योंकि सिद्धि लक्षण हमें ब्रह्म मुहूर्त में मिल रहे थे. रात को हम लोग 7-8 बजे चालू करते थे और ब्रह्म मुहूर्त में हमें उसको सिद्धि लक्षण मिलते थे. तो आई गेस येस वी हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रह्मा एज वेल, लॉर्ड ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा का डोमिनेंस ही होती है. तो यस, आई एम एंड वी आर एज अ टीम आर रियली प्राउड ऑफ दिस प्रोडक्ट केशमित्र तैला एंड वी आर गेटिंग द गुड रिव्यूज टिल नाउ. थैंक यू, आई एम सो मच हैप्पी. थैंक यू.